हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक सरफेस टेंशन के बारे में समझेंगे। सरफेस टेंशन होता क्या है, उसको एक्सपेरिमेंटल वे में हम विजुलाइज करेंगे, उसको समझेंगे, इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आखिर बना कैसे था। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस टेंशन के एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सिर्फ मेरे पास एक ग्लास में वाटर है, ठीक है, वाटर के। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ग्लास में वाटर फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड है, ग्लास पूरा फिल है हमारे पास। ठीक है, अब आप यही बोलोगे ना कि ग्लास पूरा फिल्ड है और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और पानी डालने की, और मेरे पास ये कुछ और अलग से पानी मैंने रखा हुआ है, कलर्ड वाटर है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। उसके बाद क्या होगा कि हम इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पहले तो बेसिक समझेंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है, कैसे वो दिखता है, सरफेस टेंशन दिखता कैसा है। उसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास वाटर है इसके अंदर, आप ये बोल रहे हो कि फुली फिल्ड है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पानी डाल के देखते हैं, ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला तो पानी आ गया इसके अंदर, थोड़ा सा और डाल देते हैं और आ गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा नजदीक से देखो ताकि अब आपको सरफेस टेंशन दिखे। लगता है ये पानी जो है ना ऊपर की तरफ आ चुका है और नीचे वाला सरफेस जो है उसका चिपका हुआ नीचे की तरफ ग्लास के साथ, और पानी ऊपर है ग्लास के लेकिन अभी भी बाहर नहीं गिरा है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे फिर क्या होगा, ये सरफेस टेंशन जो है ना ख़राब होने के चांस होंगे। लेकिन अगर मैंने भी थोड़ा सा और डाला तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और डाला तो ये सरफेस टेंशन अभी भी क्रिएट है इसके अंदर। तो देखो ये होती है सरफेस टेंशन, ये वाली। ठीक है, अब सरफेस ने क्या किया, अपने आपको पकड़ा हुआ है ग्लास के साथ। अब अगर तो आप नीडल को ऐसे छोड़ोगे नीचे की तरफ ऐसे, तो ये नीडल बीच में चली जाएगी। अब इसी नीडल को हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेस करेंगे। ऐसे पे प्लेस करने के बजाय हम इसको ऐसे रखेंगे। तो जब मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा तो देखो नीडल पानी के ऊपर तैर रही है बड़े आराम से। अब इसके नीडल के आसपास नोटिस करो, ज़रा एक बार पानी को नोटिस करो इसके आसपास। ये सरफेस देखो, इस सरफेस में एक बेंड आ गया है, इसका सरफेस इधर से उधर की तरफ खींच रहा है और इधर से इधर की तरफ खींच रहा है, और नीडल उसके अंदर रेस्ट कर रही है। इस केस में जो हमारे पास ये नीडल ऊपर की तरफ तैर रही है ना, अब नीडल ऊपर की तरफ क्यों तैर रही है, इसका एग्जांपल रबर शीट से लो कि रबर शीट जब ऐसे पड़ी है, मैंने नीडल को ऐसे प्लेस किया इसके ऊपर, नीडल को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा, तो नीडल इसके ऊपर रेस्ट करेगी और सरफेस टेंशन उसको संभाल लेगी। ठीक है, सरफेस टेंशन हल्की सी ऐसे अंदर की तरफ होगी और नीडल उसके अंदर पड़ी रहेगी और सरफेस टेंशन इसको ऐसे खींचता रहेगा। ठीक है, तो सरफेस इसका ऐसे खींचा रहेगा आपस में और नीडल यहाँ पर रेस्ट कर रही होगी। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा कि जब मैं इस नीडल को ऐसे रखूंगा तो वो अंदर की तरफ चलेगी। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, वो एग्जांपल ऐसे है कि इस बार मैंने क्या किया था, नीडल को ऐसे किया था, यानी जब हमने नीडल को इसके अंदर डाला तो नीडल ने क्या किया, सरफेस को ब्रेक कर दिया, तो नीडल सरफेस को ब्रेक करके अंदर चली गई और पानी के अंदर जाकर डूब गई। तो ये केस हुआ था नीडल जब हमने ऐसे गिरी थी नीचे की तरफ, जब हमने उसकी नोक जो थी नीडल की उसको ऐसे गिरा, लेकिन जब मैंने नीडल को ऐसे प्लेस किया तो वो सरफेस टेंशन ने उसको संभाल लिया, क्योंकि उस इस टाइम पर उसका सरफेस नहीं कटा था, जब ऐसे रखा था तो सरफेस कट गया था। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको नीडल के बारे में बताया था, तो ये नीडल यहाँ पर हमने रखी हुई है। अब नीडल के कारण क्या हुआ कि सरफेस दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट मान लिया हमने, तो ये वाला राइट सरफेस है, ये वाला लेफ्ट सरफेस है। और फिर क्या हुआ कि हम इसमें ये मानेंगे कि हमें ये पता है कि जो नीडल है उसके आसपास से फोर्स पुल हो रही है। ठीक है, जो सरफेस है ना वाटर का वो पुल हो रहा है, यानी कि इस तरफ राइट की तरफ जो फोर्स उस तरफ जा रही है, यानी कि जो फोर्स उस तरफ जा रही है और जो फोर्स इस तरफ आ रही है पुल की फोर्स, वो फोर्स दोनों बराबर है, तो उसको हम एफ फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको हमने मान लिया एफ फोर्स। और जो नीडल है, नीडल की लेंथ कितनी है, उसको हमने स्मॉल एल मान लिया, तो नीडल की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स लग रही है दोनों साइड पर। तो यही फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, ऐसे इसको डिराइव करते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, एक्सपेरिमेंटल वे में सरफेस टेंशन कैसे करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब से आप इसको फॉर्मूला डिराइव बड़े अच्छे से कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।